नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो भारत की रक्षा नीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके हमने दिखा दिया कि भारत जो है इस बड़े से बड़े दुर्गम क्षेत्रों में भी बड़े से बड़े ऑपरेशन करके दिखा सकता है कि हमारी सीमाओं की रक्षा किस तरीके से की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, इस ऑपरेशन को जानने से पहले, अगर आप वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बारे में, एक ऐतिहासिक घटना जो भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में किया गया था, जिसको इतिहास के पन्नों में ऐसे दर्ज किया गया कि बड़े से बड़े दुश्मन देश भी घबरा गए। सियाचिन हिमालय के लड़ाकू क्षेत्र में स्थित एक बेहद कठिन सुरक्षित स्थान है। स्थान पर भारत और पाकिस्तान के बीच सर्वोच्च समरसता की संभावना होती है, मगर इसको भंग करने की पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की थी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश जो 1984 में आयोजित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य सियाचिन क्षेत्र को भारतीय सेना के कब्जे में लेना था। ऑपरेशन व्हाइट वॉश में भारतीय सेना ने उन्नत तकनीक और रणनीतिक कौशल का उपयोग किया। भारतीय सैनिकों ने अप्रत्याशित ठंड से लड़कर विजय हासिल की। ऑपरेशन व्हाइट वॉश ने सियाचिन पर भारतीय सेना की मजबूती प्रतिष्ठा को बढ़ाया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत कभी भी अपनी सीमा और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संकल्पित है और उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज हमने देखा कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश ने भारत सेना की शक्ति और साहस का परिचय तो दिया ही, मगर इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी बताया कि भारत के पास इस तरह की ताकत है कि वो दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियों में भी इतने बड़े से बड़े ऑपरेशन को कर सकता है। दोस्तों इसमें सबसे दुनिया का आधुनिक एडवांस वेपन इस्तेमाल किया गया था, जिसे काली वेपन कहते हैं। इस काली वेपन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया और भारत की सिक्योरिटी से लेकर के भारत के डिफेंस क्षेत्र की हर एक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में आपने आप क्वेश्चन जरूर पूछे कि भारत जो है एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट में कहाँ पहुँचा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है।